बॉर्डर है, हम नीलकंठ महादेव की, और पीछे गाड़ी वाला भी था, उससे हमने रास्ता पूछा कि यही है क्योंकि दो रास्ते थे। कहता है कहाँ जाना, मेरा नीलकंठ महादेव, कहते कि वो 22-23 किलोमीटर है जबकि यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है, मगर वो चाहता था शायद, हम बोले कि 22 किलोमीटर तो गाड़ी जाएगी तो हम बैठ जाए इस पर। चलिए, ये टैक्टिक्स बहुत देखे हुए इनके, बढ़ रहे हैं यात्रा कर रहे हैं। 22 किलोमीटर भी होता तो खास दिक्कत नहीं थी उसमें भी। ये नीलकंठ सुमो स्टैंड पहुंच गए हम, यहाँ से आगे के लिए आप सुमो ले सकते हैं बट हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ से आके दाएं हो जाइएगा आप। पीछे हमने पुलिस वालों से पूछ लिया कहाँ से जाना है। 84 कुटिया सामने दिख रही है, पहले 84 कुटिया, या तो हम एक काम कर सकते हैं, नीलकंठ महादेव ही पहले जा सकते हैं और उसके बाद आते हुए इन सब के दर्शन करेंगे। आते वक्त अभी हम सीधे नीलकंठ महादेव की ओर ही बढ़ेंगे। राजा जी टाइगर रिजर्व है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें पैदल ही जाना है कि, एक चीज़ जो आपको बता दूँ, टाइगर रिजर्व है और अगर हम पैदल चल रहे हैं बस दर्शन ना हो जाए उसकी, वही एक हमारी वो प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। दूसरा, हाथियों का खतरा है यहाँ, अगर हाथी दूर से भी दिख गए तो रुकना है और रास्ता बदल देना है, रास्ता तो एक ही बदलेंगे यहाँ, जंगल के अंदर तो जाएंगे नहीं। और तीसरा कि लंगूर जो सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ मिलेंगे, लंगूरों को देखना नहीं, उनकी आँखों में नहीं देखना, उन्हें घूरना नहीं है तो एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर वो देख रहे, नीचे देखिए, सामने देखिए, कहीं भी देखिए, उनकी तरफ ना देखिए, अपने काम से काम करें, तो वो भी आपको सताएंगे नहीं। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये रहा वो, और यहाँ से हमें अंदर जाना है अब 8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं है। आराम से हो जाएगा अंदर, अभी 20-50 मीटर ही चलेंगे कि एक छोटे से ये ढाबा टाइप दिखा है जहाँ आप स्नैक ले सकते हैं। यहाँ पेड़ पे लंगूर भी है और यहाँ भाई सब कह रहे कि आप इनको चना खिला सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपके हाथ से चना खाएंगे, तो बस चने के पैकेट लेके आप इनको चना खिलाएंगे, देखते हैं कि हमला ना करते। मगर जो मैंने पहले कहा था वो दिमाग में ही रखेगा, वो वाली बात है। और मोर दिखा अब लंगूर के बाद, यही है जंगल के बीच में ट्रैक करने का फ़ायदा, बस शेर ना दिखे, बाकी संतुष्ट हम, कुछ भी दिखे, कोई भी दिखे। पानी का स्रोत रह गई नीचे, आवाज़ आ रही है, मोर, तीतर, लंगूर, ये सब तो दिख गए, पानी भी मिल गया, पानी मगर नीचे गई, आवाज़ आ रही है कहीं दूर से, दो बार गुर्राने की आवाज़ आई। तो स्पीड उस हिसाब से हमारी बढ़ चुकी है, पत्थर वत्थर उठा ले हाथ में, शेर है, कुछ कुछ तो बचाओ, और आगे पीछे देखते रहे, हाथी का किया माल, और यानी कि वो भी कहीं आसपास ही है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है यहाँ से, ऐसी चढ़ाई है बिल्कुल ऐसे, तो हालांकि 20 दिन पहले ही मैंने तपोवन का ट्रैक किया था तो उसके कारण उतना कठिन तो नहीं लग रहा मुझे, बट उसके ऊपर फिर भी हालत तो ख़राब हो ही गई क्योंकि उस ट्रैक के उपरांत भी बैठे हुए थे, कुछ ज़्यादा उस जो स्टैमिना अर्जित किया था उसको बना नहीं पाए। देखिए आप ऋषिकेश का क्या बढ़िया लग रहा है, पूरा जंगल जंगल लिया चारों तरफ और जंगल के बीच में नीलकंठ महादेव के मंदिर की ओर बढ़ते हम महादेव के वक्त। आगे बढ़ते हम और नीचे आप दुकानें जो ये रिफ्रेशमेंट के लिए लोगों ने यहाँ आगे कहीं गाँव है तो ये उतरते हैं वहाँ से, कहते हैं सुबह 8 बजे ये आ जाते हैं नीचे और पूरे वर्ष ये यात्रा चलती रहती है क्योंकि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, इस साइड तो बढ़िया है, रास्ता खुला रहता है, तो रिफ्रेशमेंट आपको समय टू समय मिलती रहेगी, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पानी, शिकंजी,
नींबू पानी ये सब यहाँ मिलता है। और इन्हें कहा कि हाथियों का खतरा शाम को रहता है या जानवरों का, तो आवाज़ करते रहिएगा अगर शाम को आप वापस आते हैं। मगर हमने सुना कि वहाँ ऊपर रहने की भी व्यवस्था है मंदिर के पास, तो शायद हम वहीं रुक जाएं। यहाँ से अब नीलकंठ महादेव सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, और यहाँ जलजीरा पीने हम पहुँचे हैं भैया के पास। मतलब इनका आने का क्या सीज़न का, एक जो अब एक बारिश में आते हैं, बारिश में आता है और एक रात को निकलता है, रात को निकलता है। और ये आप बता रहे थे ये खड्डा उसी के पाँव का बना है, ये जो खड्डा है अभी देख लो वहाँ से उतरा है, यहाँ से ही उतरा है, वहाँ से उतरा बता दो। ये तो जरा उस समय बारिश थी। अब अगर सामने आ जाए तो बचने का क्या है, अगर अगर कर ले अगर सामने तो आ जाए चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़ जाओ, बाकी और कोई नहीं, बाकी और कोई नहीं, जहाँ चढ़ाई है वहाँ चढ़ जाओ। अगर चढ़ाई से आ रहा हो उतर रहा हो तो फिर क्या, तो के बाद में उधर से आ रहा तो आप इधर से निकल। अच्छा, अरे एक वो मुड़ता नहीं है बहुत जल्दी से, अच्छा मुड़ने में प्रॉब्लम होती है उससे, बस तो ये है। वही दो ही है बाकी तो फिर भगवान वही है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वीडियो के बाद भैया बता रहे थे कि एक हरियाणा का ग्रुप था 10 लोगों का, उसमें से 3 लोग जो थे वो जंगल के अंदर जाने लगे, जबकि लोगों ने उन्हें बताया कि ये भाई जू नहीं है, यहाँ जंगली हाथी रहते हैं, तो वहाँ मत जाओ, इस रोड पे रहो, इस फुटपाथ पे, यहाँ आज तक ऐसा कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, आप इस पे रहो। बट उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये कर लेगा, तो हाथियों का एक ग्रुप आया और वो जो 3 थे तीनों के तीनों को मार दिया। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि जब आप प्रकृति में जाए तो उसका आदर करें, वो उसके उसको चैलेंज ना करें। तो हम बढ़ रहे हैं, तो बता रहे थे भालू भी है, शेर भी है, हाथी ज़्यादा है, तो बताया उनने अगर आ जाते सामने तो लोकल थे यहाँ तो उनको पता है कैसे बचना है क्या करना है, वो बता रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली हाथी आए तो थोड़ी मिट्टी अगर दूर से दिख जाए, मिट्टी उठा के हवा में ऐसे देखिए कि हवा का रुख किस तरफ है, अगर हमारी तरफ से हवा हाथी की ओर जा रही है तो उसको हमारी गंध आ रही है, वहाँ मत जाइए, अवॉइड कीजिए। अगर आप मिट्टी गिरा रहे हो और आपकी तरफ आती है, यानी कि वहाँ से उसकी तरफ से आ रही है हवा, तो आप साइड से भी निकल सकते हैं, वो भी अवॉइड कीजिए, उसको ही जाने दीजिए आगे, बट उन्होंने कहा जा सकते हैं। कहते हमारे भारतीयों में एक आदत जो है, हम हाथी को देख के शोर शराबा बहुत ज़्यादा करते हैं, अरे हाथी आ गया। कहते जो अंग्रेज़ होते हैं वो आ जाते हैं तो वो शोर शराबा नहीं करते, वो शांति से निकल जाते, यही मिट्टी वाला, और साइड से निकल जाएंगे बिना किसी शोर शराबे के। बट हम इतना शोर शराबा कर लेते हैं जिससे हाथी भी परेशान हो जाता है और हमला कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। राजा जी नेशनल पार्क, पूरा जंगली इलाका है, काफ़ी फैला हुआ जंगल है, और दर्शन कर लीजिए, सूर्य की छवि गंगा जी में दिख रही है आपको, मिस्ट है यहाँ उसके कारण आपको इतनी क्लियरिटी नहीं है, बट उसके उपरांत भी मनमोहक व्यू, और मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवा दे। उस सामने अगर आपको रोड दिख रही है ऊंचाई पे, वैसे जैसे फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, वो बिल्कुल जो टेक ऑफ कर लेता है, जैसे वो जिस गति में जिस एंगल में पहुंचता है उसी एंगल पे हमें ये चढ़ाई पूरी करनी है। बढ़ रहे फिर चल ही रहे, पीछे हमारे वो जो वहाँ राजेंद्र सिंह जी थे उनसे मुलाकात हुई, राजेंद्र सिंह बिश्त जी, तो के मिल उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी दे दिया, उन्होंने एक गेस्ट हाउस है शिवा गेस्ट हाउस, उन्होंने कहा मेरा रेफरेंस दे देना, तो काफ़ी अच्छे इंसान है, बात करके ही पता चलता है। गेस्ट हाउस से पहले ही उनसे कुछ लिया नहीं हमने, ऐसी बात चली तो बड़े बढ़िया इंसान लगे। बाद में हमने उनसे पूछा कि अगर हम रुक जाए तो, कहते कोई नहीं मेरा रेफरेंस दे देना, शिवा गेस्ट हाउस से ऊपर शॉप नंबर 30 वहाँ रुक सकते हैं आप, और आगे तो मार्केट भी ये शुरू ही हो गई है, अबेंडन है मतलब मार्केट टाइप ही है, और अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ऐसा कहा उनने तो उससे और जोश, 1.5 किलोमीटर अभी है, मगर देखते हैं पहुँचते हैं, शाम का स्टे वहीं करेंगे। ये है एबेंडन है अभी ये मार्केट खाली, शायद आगे मिले हमें लोग,
बट अभी के लिए तो खाली है, कंक्रीट है, तो मेरे ख्याल से अभी सीज़न नहीं है इसके कारण नहीं, मगर आगे खाने पीने की व्यवस्था तो है, एक दुकान हमें मिल गई। ये देखिए सामने क्या लिखा है, घबराए नहीं चढ़ाई समाप्त। कितना बढ़िया लिखा है, चढ़ाई समाप्त हो चुकी है और यहाँ का व्यू आपको दिखा देते आगे। बढ़ रहे अब चढ़ाई थोड़ी सी है, अब ज़्यादा ये नहीं है, तो अब हनुमान चालीसा कहीं दूर से सुनाई दे रही है, मंदिर लगता है करीब ही है, नज़दीक है अब तो, बहुत बढ़िया ट्रैक रहा है ये, अब करीब करीब पहुंच ही गए हैं हम, तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पहुँचते फिर शिवा गेस्ट हाउस जो कैफे जहाँ हमें रुकना है वहाँ रुक के सामान रख देंगे, थोड़ा हाथ में धो के मंदिर में दर्शन करने चले जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे भगवान शिव शिव के, नीलकंठ महादेव के। और ये वो उतराई है जिसकी बात कर रहे थे वो, कि आगे अब उतराई आएगी और कहाँ, ये भी आपको व्यू दिखाता हूँ, नीलकंठ मार्ग यहाँ लिखा है, नीलकंठ मार्ग। चाहे हो शायद ये नीलकंठ महादेव मंदिर है वो, हाँ चाहे हो चाहे हो चाहे हो। ऊपर से आए हैं और ये मार्ग है अब जहाँ हमें बढ़ना है, यहाँ पीछे शायद गांव की तरफ जाता है रास्ता, तीन तीन रास्ते हैं यहाँ नीचे जहाँ हमें चलना है, और कोई चाइना जा रही है शायद भूटान, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अब दाएं तरफ की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि मंदिर ऊपर से उसी तरफ दिखा था, शायद ये रास्ता हो, कोई पता नहीं, यहाँ कोई है भी नहीं जिससे पूछे, तो यहाँ एक ये हट टाइप कुछ बना है बट बंद है, यहाँ तो ताला लगा है, और ये दो रास्ते और हम बढ़ रहे हैं दाएं, व्हेन एवर इन डाउट गो राइट, तो दाएं मुड़ गए हम, पर भी मकान है किसी का घर है मगर वहाँ भी ताला लगा है, तो शायद यहीं से हो, क्या पता है यही कि नहीं, बट थोड़े अगर ट्रैक्स तो मिल रहे हैं, ये शायद यहाँ से स्कूटी चलती है, गाड़ी के भी निशान है, यहाँ से रास्ता है तो लोग भी होंगे ही, चलिए देखते कहाँ पहुँचते हैं। जो मैंने इससे पहले कोड बोला था, व्हेनेवर इन डाउट गो राइट, उसको भूल जाइए, यू कैन ऑल्सो गो स्ट्रेट और लेफ्ट, क्योंकि शायद हम गलत जा रहे हैं, मंदिर कहीं और दिख रहा है, ये किसी गांव का रास्ता है, तो आधा किलोमीटर एक पौना किलोमीटर तो अब ऐसे ही चल गए, अब वापस ऐसी चढ़ाई चढ़ेंगे और कहीं भी पहुँच नहीं रहे, शायद फिर आगे दो रास्ते हैं, अब उस पर देखते हैं वहाँ कहाँ पहुँचते हैं, तो आगे अब हम सीधा रास्ता लेंगे, सो व्हेनेवर इन डाउट गो स्ट्रेट। देखिए जब हम सीधा जा रहे थे तो हमें सीधा ही जाना था गो स्ट्रेट, क्योंकि हमने एक चीज़ नहीं देखी, पुंडराकू गांव जो पीछे राजेंद्र सिंह जी ने बताया था जहाँ के है वो भी यहीं से, और ये देखिए नीलकंठ की जय। बढ़ रहे अभी भी आगे और आगे और एक और डाइवर्जन है, शायद हमें यहाँ यहाँ उतरना है, ये डाइवर्जन है, हमें यहाँ की ओर उतरना है, श्री नीलकंठ मंदिर मार्ग। जय हो। नीचे बढ़ रहे और दर्शन हो गए एक मंदिर के, यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है मंदिर, दिख रहा है नीलकंठ महादेव जी का, भगवान शिव का मंदिर बिल्कुल आगे है, और बढ़िया आगे पीछे का व्यू भी, कंस्ट्रक्शन हुई है या हो रही है या अबंडन कर दी गई है बीच में, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ यही है आगे पीछे का भी, यहाँ का ये पीछे से ये
पता नहीं यहाँ ये अबंडन कर दी गई है, बना के छोड़ दिया है, कुछ बनाना चाहते थे हुई नहीं, ये समझ नहीं आया मुझे। विद्यालय नीलकंठ, अच्छा विद्यालय है, बहुत ही बढ़िया, उत्तम उत्तम उत्तम। और ये लोहे के ये क्यों लगा रखे हैं, क्या ये डाइवर्जन है भीड़ यात्रियों के लिए? अगर वो नहीं है तो बेफिजूल में क्यों लगा रखे हैं, ये भी समझ नहीं आता। अब जाके कहीं आगे थोड़ी मार्केट दिखनी शुरू हो गई है, तो यहाँ कुछ खाने पीने के आइटम मिल जाएंगे और रात का भोजन भी शायद यहीं हो जाए। पहुँच ही रहे हैं यहाँ कहीं ना कहीं, हम जहाँ में आना था। छः बज चुके हैं शाम के और हम यहाँ पर शिवा गेस्ट हाउस पहुँच चुके हैं, राजेंद्र सिंह जी ने जहाँ बोला था आने के लिए। अब बात चल रही है, नीचे भैया गए हैं, वो बात करेंगे। क्या कुछ दिन है राजेंद्र सिंह जी जो बोल रहे थे यहाँ 600-700 होता है आपको आधा हो जाएगा, तो वही 300-350 रुपये शायद रात का तो हो जाती है बात। उसके बाद हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, 7 बजे आरती, 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद सफाई चलती है और 7 बजे आरती होती है। 7 बजे की आरती में हम जाएंगे, दर्शन सुबह करेंगे, उसके उपरांत फिर कल थोड़ा बैठ वापस प्रस्थान करेंगे नीचे की ओर और फिर एक्सप्लोर करते हैं ऋषिकेश को। शाम की आरती के लिए हम निकल रहे हैं और बढ़ रहे मंदिर की ओर। नीलकंठ महादेव दर्शाया गया है, कैसे भगवान शिव हलाहल विष पी रहे हैं, जिनके कारण कंठ नीला पड़ गया था और उनके बाद उन्होंने यहाँ आके तपस्या की थी और स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ, और ये स्वयंभू शिवलिंग ही नीलकंठ कहलाता है। मंदिर में आरती हो चुकी है, आरती के बाद हम निकल गए। वहाँ लिखा था कि आप मर्जी से मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ से निकलना पड़ा। और आरती तो बढ़िया रही, दर्शन भी हो गए, उन्होंने कपाट भी खोल दिए और दर्शन भी हो गए। दर्शन कुछ सेकंड लोग हो गए थे, भीड़ थी इतनी, तरफ दिखाया और बढ़ते रही बढ़ते रही। अब कल फिर से दर्शन करेंगे, उसके उपरांत आगे वापस देखते क्या। मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है ऐसा लिखा है, ये देखिए, तो वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो पूरा तो नहीं मना अंदर से शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग उसके दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से इनको आगे किया जा रहा है, इतनी भीड़ है, बट जितना हो सकता है उतना दिखाने की चेष्टा करूँगा। दर्शन हमने अभी कर लिए, भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है, तो काफ़ी भीड़ थी और अंदर, जैसे आपको पता है फोटोग्राफी करना मना है तो इससे फोटो तो नहीं ले पाए या तो वीडियो ले पाए, बट काफ़ी देर लगी इस बार दर्शन करने में रात के मुकाबले, और बढ़िया रहा। अब हम हनुमान जी मंदिर की ओर जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करने के उपरांत हम वापस ऋषिकेश नीचे वहाँ पर कैसे कर पाएंगे।